हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, जिसको हम एसिलेट करते हैं किससे, बाय ए पोटेंशियल बी। तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, एटसेट्रा। कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने बी पोटेंशियल दिया, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल की बात करूं, तो यहां पर हमने एक चार्ज पार्टिकल कंसिडर किया है जिसका चार्ज क्या है, क्यू है। उसको हमने कितना पोटेंशियल दिया है, उसको हमने एसिलेट किया है बी पोटेंशियल से, और वो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है, वी वेलोसिटी गेन कर लेता है। क्लियर है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसमें। तो यहां पर ये पोटेंशियल मान लिया, ये पोटेंशियल हमने कितना दिया उस चार्ज पार्टिकल को, हम पोटेंशियल दे रहे हैं वी वोल्ट। ये जीरो है और यहां पर कितना है, वी है। तो ये चार्ज कहां पर है इनिशियली, इनिशियली चार्ज जीरो पर है, ये चार्ज क्यू है। जब हम बी पोटेंशियल देते हैं तो ये कहां जाता है, बी की तरफ जाता है, क्या कितनी, वी वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है। जब मैं किसी पर वर्क कर रहा हूं इस पर, तो चार्ज पार्टिकल द्वारा देन वर्क डन ऑन चार्ज्ड पार्टिकल कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डी बी, चार्ज और जितना पोटेंशियल में चेंज हुआ है। इंटीग्रेट कर दोगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू, फाइनल फाइनल पोटेंशियल कितना है वी, और इनिशियल कितना है जीरो। तो यहां से वर्क डन हमें कितना मिल जाता है, क्यू वी, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जब हम किसी बॉडी, ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो इसमें क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया, यानी कि वर्क किया मैंने, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब मैं इस पर वर्क लगा रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ये क्या इक्वायर कर रहा है, वेलोसिटी। इसमें वो वर्क डन कैसे स्टोर हो रहा है इसमें, एज ए काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो वो वर्क कैसे स्टोर हो जाता है, एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दिस वर्क इज डन, तो दिस वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया हमारा, वर्क डन, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी, इक्वेशन नंबर टू। सिंस डी ब्रोगली वेवलेंथ इज कितनी होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन रूट टू एम के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हम चार्ज पार्टिकल की पता चल कर निकाल चुके हैं कितनी है, क्यू बी, उसको यहां पर पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एच अपॉन रूट टू एम क्यू पी। तो ये कोई भी चार्ज पार्टिकल हो जिसे डी बी पोटेंशियल से हम एसिलेट करेंगे, ये उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, अगर हमें क्वेश्चन में पूछ ले वो इलेक्ट्रॉन, तो फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, चार्ज पार्टिकल है एच अपॉन रूट टू एम क्यू बी, अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एच की वैल्यू 6.636 इंटू 10 टू द पावर -34, ओ सॉरी 626। ठीक है, और पोटेंशियल गिवन नहीं है। क्लियर है, इन वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, तो लैम्डा इक्वल टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन एम टू, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू
चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 पोटेंशियल गिवन नहीं है इसका स्क्वायर रूट। तो जब इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितनी आ जाती है रूट 150 अपॉन बी एंगस्ट्रॉम में। दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप वो कितना भी पोटेंशियल दे दे, अगर वो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने 100 वोल्ट पोटेंशियल से आइसोलेट किया है तो आप यहां पे 100 रख दो, या फिर इसे और सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 12.24 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉम। रूट 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.24। तो पोटेंशियल की वैल्यू रख दो इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली हम किसके लिए निकाल देंगे, सिमिलरली हम निकाल देंगे प्रोटॉन के लिए या अल्फा पार्टिकल के लिए। तो लैम्डा प्रोटॉन कितनी हो जाएगी एच अपॉन रूट टू मास ऑफ प्रोटॉन और इनटू क्यू भी। यहां पर सिर्फ एच की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ प्रोटॉन रख देंगे हम, चार्ज रख देंगे और पोटेंशियल जो उतना गिवन होगा उसे निकाल देंगे, इसे प्रोटॉन की निकाल देंगे। अल्फा पार्टिकल की बहुत पूछता है, अल्फा पार्टिकल के लिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। चार्ज कितना हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज। तो लैम्डा अल्फा कितनी हो जाएगी आपकी एच अपॉन रूट 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज 2 टाइम्स इनटू वी। तो लैम्डा अल्फा इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा एच अपॉन रूट 16 एमपी QV। So this is the de Broglie wavelength of alpha particle। इस तरह से कोई भी charge particle कहे हम उसकी de Broglie wavelength को calculate कर लेंगे। So this is all about de Broglie wavelength of isolated charge particle through potential B। Thank you।